कोई अच्छी कविता सुनाइए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, वो वाला कविता। क्या समाज से बहुत जुड़े हुए हैं आजकल हम, ये गांव का समाज है और यहाँ पे भाई भाई की शत्रुता देखने को मिलती है जो मुझे काफ़ी आहत करता है। और मैंने एक कविता लिखा है भाइयों के लिए, वो सुनाता हूँ आपको। एक माँ के दो जाएँ हैं, एक माँ के दो जाएँ हैं जो मिला बाँट के खाए हैं। एक विद्यालय में रहते, एक विद्यालय में पढ़ते हम, एक छत के नीचे रहते हम। हाँ खाई साथ पिटाई है, तू मेरा अपना भाई है। जब तू रोते तब हम रोते, जब तू सोते तब हम सोते। एक बार जो तू बीमार हुआ, तुझको तब तेज बुखार हुआ। उस रात नहीं सोया हमने, रात भर रोया हमने। पहुंची विद्यालय की गाड़ी थी, कॉलेज जाने की बारी थी। घर के हालत से गढ़ा नहीं, तू पढ़े मगर मैं पढ़ा नहीं। ऐसी स्थिति आती है कि दो भाइयों में एक ही भाई पढ़ता है, एक भाई नहीं पढ़ पाता है। तो घर के हालत से गढ़ा नहीं, तू पढ़े मगर मैं पढ़ा नहीं। तू अफसर बनकर घर आए, घर में सब फूले नहीं समाए। हमने तब बांटे मिठाई है, तू मेरा अपना भाई है। जब हुई हमारी शादी थी, जब हुई हमारी शादी थी, शुरू हुई यही बर्बादी थी। कुछ दिन तो सब ठीक चला, नाते रिश्तों के नज़दीक चला। पर प्यार हमारे बटने लगे, पर प्यार हमारे घटने लगे, बीवी बच्चों में बटने लगे। रुपयों से शुरू मतभेद हुआ, तब संबंधों का भी भेद हुआ। तुम भूल गए, हम भूल गए, किस नाते में हम भूल गए। माँ के जेवर को बांटा, पापा के तेवर को बांटा। तू खाता मेवा मिठाई है, भूखा तेरा भाई है। जिस आंगन में खिलवाड़ हुआ, उस आंगन में खड़ा दीवार हुआ। जब तुमने सब कुछ बांट लिया, हमने भी सब कुछ छांट लिया। तब अपनी कैसी लड़ाई है, तू मेरा अपना भाई है।